गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एग्जाम तक आज है तीन दिसंबर और तीन दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हम लोग जो हैं इस वीडियो में डिस्कशन करने, करने वाले हैं सो आप लोग इस कंप्लीट वीडियो को एंड तक जरूर से देखेगा काफ़ी कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो शेयर जरूर से कर देना सेशन को पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है पहले मैं आपको बता दूँ एक दिसंबर को हमने कौन सा मनाया था एड्स डे मनाया था और दो दिसंबर को भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं एक एक करके सभी को बताऊँ कंप्यूटर साक्षरता दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला डे है ये और ये जो है आपको याद ही रखना है मतलब काफ़ी बार एग्ज़ाम में बन चुका है एस जैसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है दो दिसंबर को इस साल की इसकी थीम क्या थी लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी ये इतनी सी आपको थीम याद रख सकते हैं बाकी थीम इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं पूछी जाती छोटे मोटे डेज़ की थीम लेकिन ये डे ज़रूर से याद रखना है सेकेंड डे जो है अगर बात की दो दिसंबर को तो दास उन्मूलन प्रथा दिवस ये भी मनाया जाता है यूएन मनाता है ये डे और ये जागरूकता 1949 में जो है यूएन ने अपनाया था कि इस तरह का जो है मतलब ये नहीं होना चाहिए दास प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए ठीक है तो इसके लिए ये डे मनाया जाता है नेक्स्ट अगर बात की थर्ड तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये इंडिया लेवल पर मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये दो दिसंबर क्यों मनाया जाता है आप सभी को पता था दो से तीन दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी आप सभी को पता होगा बहुत ही बड़ी त्रासदी थी अपने आप में हजारों लोगों की जो है डेथ हो गई थी वहां पर एंड आपको पता होना चाहिए मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ये जीके का भी क्वेश्चन बनता है कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी जो कि लीक हुई थी एंड उस कारण से जो है ये डे दे माना जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस आपको याद रखना है तो तीनों के तीनों डे जो है ना ये आपको याद रखना है वैसे नाइनटीन एटी फोर से अभी तक जो है ये थर्टी सेवन ईयर्स हो चुके तो इस साल जो है सैंतीसवीं से, वर्षगांठ भी थी अगर बात की जाए इसकी भोपाल गैस कांड की उपरोक्त तो सभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट याद रखना तीनों के तीनों डे जो हैं काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन की और सेकेंड क्वेश्चन फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है मेगलेडेना एंडरसन मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स में एक सप्ताह के लिए मतलब ये जो है बारह घंटे के लिए प्रधानमंत्री बनी थी स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी तो फिर से मैं क्वेश्चन क्यों शामिल कर रहा हूँ कि लगभग एक ही वीक के अंदर अंदर फिर से ये दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली पहली बार बनी थी बजट को लेकर विवाद हुआ इस्तीफा दे दिया और फिर सात दिनों के बाद अंदर अंदर फिर से ये प्रधानमंत्री बनी है तो मैगडालेना एंडरसन जो है ये बनी है स्वीडन की अगर बात किया पहली महिला प्रधानमंत्री एंड स्वीडन की एक ही सप्ताह में दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गई तो नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आजकल इस कारण से इनका नाम याद रखना स्वीडन की संसद को क्या कहते हैं रिक्स डॉग कहते हैं स्वीडन की संसद को ठीक है तो स्वीडन की संसद का नाम याद रखना रिक्स डॉग है स्वीडन की संसद का स्टॉक मिलेगी आपको स्वीडन की कैपिटल एंड ये भी एक स्कै कंट्री है फिनलैंड की महिला प्रधानमंत्री कौन है सना मरी ने मैंने आपको बताया था उसी दिन न्यूजीलैंड की कौन है तो जेसिंडा अर्डन है आपको याद रखना जेसिंडा अर्डन का नाम भी एंड ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है स्कॉट मॉरिसन है ये सभी चारों नाम आपको याद रखने हैं मेजरली इनका नाम तो याद रखना है मगलरडेना एंडरसन स्वीडन की प्रधानमंत्री बनी है और ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडेक्स से रिलेटेड है वैसे इंडेक्स से रिलेटेड अलग से वीडियो बना रखा है यहाँ पर जाकर जरूर से देख लेना एग्जाम तक टू पर ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे महंगा शेयर कौन सा है ये 2021 की रिसेंट रिपोर्ट आई है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये जो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसकी फुल फॉर्म याद रखना एंड इसकी अगर बात की जाए तो हेडक्वार्टर मिलेगा इसका इन द लंदन 1946 में होती है इसकी स्थापना ये जारी करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इसके अनुसार इजराइल का जो तेल अभी बना ये है सबसे महंगा शहर विश्व का इस बार जो है तेल अभी सबसे महंगा रहा है सेकंड नंबर पर पेरिस और सिंगापुर दोनों जो हैं ये रहे हैं संयुक्त रूप से जॉइंट रूप से पिछली बार पेरिस टॉप पे था सेकंड पे हांगकांग था शायद ठीक है लेकिन इस बार हांगकांग थोड़ा सा नीचे चला गया पेरिस सिंगापुर सेकेंड पे है तेल अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना सबसे महंगा शेयर बना इस बार और अगर बात करें सबसे सस्ता वन सेवेंटी थर्ड रैंक पे तो सीरिया की कैपिटल दमिश्क मिलेगी आपको याद रखना वैसे सबसे ज़्यादा जंप की सिटी की रैंक ने किया है तो तेहरान ईरान की जो कैपिटल है तेहरान इसने क्या है सेवेंटी नाइन पे थी पिछले साल इस बार ट्वेंटी नाइन पर आ चुका है ये शहर तो ये अब एक नजरिए से अच्छी बात भी है और अच्छी बात नहीं भी है अगर महंगा होना जैसे तेहरान के केस में क्या हुआ है बहुत सारे अमेरिका के सेंक्शंस लग रखे हैं इस कारण से यहाँ पर जो है ये शहर बहुत महंगा हो चुका है तो सेवेंटी नाइन से ट्वेंटी नाइन हो सके ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हो गए अच्छे नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा सभी इंडेक्स जरूर से देख लेना वो वीडियो जाके ये तेल अभी का फोटो आप लोग देख पाएंगे नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है हाल ही में संजीव कौशल किस राज्य के मुख्य सचिव बने यानी कि चीफ सेक्रेटरी बने हैं एंड अगर बात की जाए संजीव कौशल की तो ये 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर मिलेंगे हरियाणा के अभी जो है नए बने अगर बात किया मुख्य सचिव आपको इनका नाम याद रखना पैंतीसवें मुख्य सचिव है नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है संजीव कौशल जो है हरियाणा के नए मुख्य सचिव बने हरियाणा के वर्तमान में सीएम एम कौन है मनोहर लाल खट्टर आपको सीएम मिलेंगे आपको याद रखना है एंड इसके अलावा अगर बात की जाए तो भंडारू दत्तात्रेय जो है ये हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं चंडीगढ़ मिलेगी आपको हरियाणा की कैपिटल एंड संजीव कौशल का नाम जरूर से याद रखना हरियाणा के वर्तमान में मुख्य सचिव बने पंजाब की मुख्य सचिव इंपोर्टेंट है विनी महाजन आपको पता होगा पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी हालांकि पिछले साल बनी थी लेकिन नाम अभी भी याद रखना विनी महाजन है पंजाब की मुख्य सचिव जिनका क्वेश्चन जो है कई एग्ज़ाम्स में पूछा गया था रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम हुए थे ये हैं अगर बात करें संजीव कौशल एंड ये हैं हरियाणा के सीएम एम मनोहर लाल खट्टर साहब नेक्स्ट अगर बात की जाए हाल ही में कौन सा देश जो है एक सेकेंड एक सेकेंड क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाल ही में कौन सा देश जो है जी ट्वेंटी ट्रोइका में शामिल हुआ है तो ट्रोइका के बारे में आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर लूंगा ये क्या है और अभी कौन सा देश शामिल हुआ है क्यों हुआ है तो भारत हो चुका है ट्रोइका में शामिल अब ये ट्रोई का क्या है जी ट्वेंटी तो सबने सुना होगा जी ट्वेंटी जो है उन्नीस देश और एक यूरोपियन यूनियन संगठन का जो है ये है अगर बात की जाए पूरा का पूरा संगठन जो इस बार इटली में हुआ था हमारे प्रधानमंत्री जी उसमें हिस्सा लेने भी गए थे अक्टूबर के एंड में मैंने वीडियो भी बनाया था आप लोग वीडियो जाकर देख लेना आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाकर देख लेना तो जी ट्वेंटी ट्रोई का जो है ना ये अभी क्या ना इटली में हो गया तो अभी एक दिसंबर को जो है अभी इसकी अध्यक्षता जो है ना ये चले गई है इंडोनेशिया के पास में क्योंकि 2022 में होस्ट कौन करेगा इंडोनेशिया करेगा तो अब अगले एक साल तक जो है ना जी ट्वेंटी से संबंधित जो भी मीटिंग्स होगी वो सब हेड कौन करेगा इंडोनेशिया हेड करेगा और ट्रोई का मतलब नाम से ही पता है तीन देश इसमें शामिल है एक तो जहाँ पर पीछे हो चुका है समिट एक जहाँ पर इस साल होगा और एक जहाँ अगले साल होगा तो पिछले साल मतलब कि अभी हो चुका है इटली में और अभी अध्यक्षता किसके पास आई इंडोनेशिया के पास में यही है और अगले साल कहाँ पर होगा इंडिया में होगा मतलब कि इंडिया में दो में होगा लेकिन ये दो हज़ार बाईस मानकर चल रहे हैं अभी ठीक है दो हज़ार बाईस में इंडोनेशिया में और इक्कीस में इटली में तो इस तरह से ट्रोइका में शामिल हुआ है इंडिया भी ये थोड़ा सा आपको याद रखना है बाकी दो में भारत पहली बार जी ट्वेंटी समिट की होस्ट करने वाला है कहाँ पर होगा न्यू दिल्ली में होगा ठीक है 2024 में फिर ब्राज़ील में होगा लेकिन वो याद रखने की जरूरत नहीं है ये तीनों जरूर से याद रखना आपको 2021 वाला इटली 2022 वाला इंडोनेशिया और तेईस वाला भारत बाकी दो में हुआ था सऊदी अरेबिया में लेकिन अब वो याद रखने की जरूरत है नहीं अब नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में जो है सातवा एक सेकेंड यार क्वेश्चन ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड आपसे मैं यही अपील करता हूँ कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट जरूर से कीजिए एंड शेयर जरूर से शे कीजिए ठीक है कमेंट शेयर यही हमारा असली में मोटिवेशन है और कुछ नहीं है हाल ही में सातवां एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया तो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार हर दो वर्ष बाद दिया जाता है दो लाख की पुरस्कार राशि भी है और यहाँ पर इस साल मिला है वी प्रवीण राव को ये जो है तेलंगाना में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं वी प्रवीण राव इनका नाम याद रखना इनको एम एस स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया अच्छा एम एस स्वामीनाथन अवार्ड जो है ये 2006 के आसपास में शुरू हुआ था बाकी एम एस स्वामीनाथन हैं कौन तो ये हरित क्रांति के जनक हैं भारत में ठीक है तो हरित क्रांति के जनक जो हैं भारत में यही हैं इनका नाम आपको याद रखना विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है नॉर्मन बोरलॉग तो विश्व में पूछ ले तो नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में पूछ ले तो एम एस स्वामीनाथन है श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है छब्बीस नवंबर को उनकी जयंती होती है और इसी कारण से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं छब्बीस नवम्बर को वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति दोनों का नाम याद रखना और वी प्रवीण राव का अभी ये अवार्ड मिला है अब नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा राज्य का हाल ही में फिफ्टी नाइन्थ जो है स्थापना दिवस मनाया गया है तो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना अभी जो है किस शहर मतलब किस स्टेट का जो है ये स्थापना दिवस मनाया गया है तो ये मनाया गया है अभी नागालैंड का ठीक है नागालैंड की स्थापना कब हुई थी फर्स्ट ऑफ दिसंबर नाइनटीन को ठीक है उन्नीस में नागालैंड जो है असम राज्य जो था उस समय उससे अलग होकर ये बना अलग से ही स्टेट और नागालैंड से संबंधित तो और क्या बात याद रखनी है यहाँ पर आर्टिकल चलता है तीन सौ इकहत्तर ए तीन सौ इकहत्तर में बहुत सारे ए बी सी डी ई जे लेकिन आपको ए वाला जो याद रखना ये याद रखना नागालैंड से संबंधित जिसमें काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके कानून जो हैं इंडियन कौनस पार्लियामेंट के डायरेक्टली वहाँ पर लागू नहीं होते हैं वहाँ की विधानसभा से भी पास करवाने पड़ते हैं हालांकि ये कोई इतने इंपॉर्टेंट कानून नहीं है वे ये सब जो है ना वहाँ की आदिवासी लोगों के जो है हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं लेकिन आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है तीन सौ इकहत्तर ए ये नागालैंड से संबंधित है और फिफ्टी नाइन थे एक दिसंबर नाइनटीन सिक्सटी थ्री को इसकी स्थापना हुई थी ये थोड़ा सा आपको याद रखना है अभी अगर बात करें नागालैंड की कोहिमा मिलेगी आपको कैपिटल सी एम कौन है नेफ्यू रियो आपको याद रखना है एंड राज्यपाल कौन है आर एन रवि पहले यहाँ के थे अभी कहाँ पर बन गए तमिलनाडु में यहाँ पर कौन है कोई भी राज्यपाल नहीं है असम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है नागालैंड का बाकी अगर बात की जाए रिसेंटली कल के करंट अफेयर्स में आपको बता था हॉर्नबिल फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर स्टार्ट हुआ तो ये नागालैंड में स्टार्ट हुआ इसके अलावा अगर बात की जाए एक अहरबल स्टार्ट हुआ ये जम्मू कश्मीर में हुआ था महोत्सव अहरबल महोत्सव बाकी चेरी ब्लॉसम महोत्सव ये कहाँ पर हुआ था ये हुआ था मेघालय में तीनों महोत्सव रिसेंटली हुए हैं नागालैंड की पुलिस ने कॉल योर कोप ऐप लॉन्च किया ठीक है तो कॉल योर कोप जो है ये ऐप भी आपको याद रखना है अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे हाल ही में किसकी पुस्तक है एक अंबुजा स्टोरी ये प्रकाशित होने वाली है तो ये जो है अगर बात की नरोत्तम शेख सरिया की पुस्तक है जो कि लॉन्च होने वाली है अब ये कौन है भाई साहब नरोत्तम शेख सरिया अंबुजा सीमेंट का नाम तो आपने ज़रूर से सुना होगा जरूर से सुना होगा ठीक है अगर आप सोसाइटी में रहते थे सीमेंट का नाम तो ज़रूर से सुना होगा और अगर बात की जाए नरोत्तम शेख सरिया तो ये इस अंबुजा सीमेंट जो कंपनी है इसके को फाउंडर हैं और इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी है इन्होंने इस पुस्तक में क्या लिखा है कि एक जो है ऑर्डिनरी पर्सनस का ग्रुप जो है कैसे मिलकर एक, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी बना सकता है ये सभी जो है ना कपास के व्यापारी थे और इन्होंने सीमेंट की इतनी बड़ी कंपनी बना दी तो ये अंबुजा स्टोरी नाम याद रखना नरोत्तम शेख सरिया की पुस्तक है अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन जो है कि बी के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कंप्लीट बताया था बी के बारे में जितनी जानकारी पता ना उतनी लिख लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए शेयर कीजिएगा जय हिंद जय भारत